अंशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है, एक तरफ है उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट। चुनाव आयोग ने जब से अपना फैसला सुनाया है, चुनाव आयोग ने जब से शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज किया है और दोनों ही गुटों को अलग अलग चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। ऐसे में यहाँ पर उद्धव ठाकरे बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। एक बार फिर से वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं और दूसरी ही तरफ यहाँ पर चुनाव आयोग पर उन्होंने कई आरोप भी लगा दिए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग का अगला फैसला क्या होगा, खैर ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। मालूम हो कि उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया, शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष तीर को फ्रीज कर दिया और जलती हुई मशाल चिन्ह के तौर पर उद्धव ठाकरे को दे दी गई है। तो वहीं दूसरी ही तरफ एकनाथ शिंदे को दो तलवार और ढाल चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित किया गया है। आपको बता दें कि अंधेरी पूर्व सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं 3 नवंबर के दिन और उन उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए ये फैसला ले लिया गया है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि उद्धव ठाकरे के गुट के जो वकील है वह किस तरीके से अपनी दलीलों को रखे थे 27 सितंबर के दिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, और वहीं दूसरी ही तरफ चुनाव आयोग ने अपनी क्या बात रखी थी, इस पर बताएंगे आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल जहां एक तरफ वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने अपनी बात को खुलकर रखा 5 जजेस की संवैधानिक पीठ के सामने, वहीं कपिल सिब्बल के तर्क का समर्थन किया वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने। उद्धव ठाकरे के गुट के लिए सिब्बल के तर्कों का उन्होंने समर्थन किया और उन्होंने कहा था कि 10वीं अनुसूची के तहत किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय ही एकमात्र बचाव है, दल बदल विरोधी कानून के तहत विभाजन की कोई अवधारणा नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना आज किसी भी रूप में मौजूद है, उनका ये दावा नहीं है कि उनका बीजेपी में विलय हो गया। उन्होंने कहा कि आपने शिवसेना छोड़ दी, लेकिन आप शिवसेना की सद्भावना चाहते हैं, इसलिए आप विलय नहीं करेंगे। वहीं जस्टिस चंद्रचूड ने भी अपनी बात को खुलकर रखा था, बीते पिछली रिपोर्ट्स में हमने आपको बताया ही था। लेकिन बात की जाए यहाँ पर चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव आयोग ने आखिरकार किस तरीके से अपनी बात को रखा। चुनाव आयोग की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार ने कहा कि चुनाव आयोग और अध्यक्ष की शक्तियां पूरी तरह से अलग है। अगर राजनीतिक दल का एक बड़ा गुट है तो विधायिका दल राजनीतिक दल के सदस्यों का सबसेट होता है जो अब निर्वाचित होते हैं और सदन का हिस्सा बनते हैं। वहीं उन्होंने ये भी प्रस्तुत किया कि कार्यवाही समांतर हो जाती है जब दो शर्तें पूरी होती हैं, जब दोनों प्राधिकरणों का समवर्ती क्षेत्राधिकार होता है और जब उनमें से एक दूसरे से कम होता है। उन्होंने बताया कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता सदन की सदस्यता से संबंधित होगी। 10वीं अनुसूची के प्रत्येक प्रावधान विशेष सदस्य की अयोग्यता के बारे में बोलते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ईसीआई ये तय करने के लिए स्वतंत्र है, वह बहुमत का परीक्षण कैसे करता है। ईसीआई एक तो शिकायत लेता है, फिर सबमिशन सबूत और हलफनामा और फिर पूछताछ करता है। कृपया मेरा नोटिस देखें और इस बड़े मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग के नोटिस में सदन की सदस्यता का कोई जिक्र नहीं है। एक सामान्य नियम के रूप में सदन की पटल पर जो कुछ भी होता है वह चुनाव आयोग की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा। चुनाव आयोग राजनीतिक दल की सदस्यता से जाता है, ना कि विधायक दल से। इस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से भी बात को रखा गया और बाद में हमने देखा कि चुनाव आयोग ने बहुमत के आधार पर फैसला नहीं लिया, बल्कि चुनाव आयोग ने यहाँ पर सिंबल को ही कर दिया। देखना दिलचस्प होगा कि जब 3 नवंबर के दिन उपचुनाव हो जाएंगे उसके बाद यहां पर चुनाव आयोग का अगला फैसला क्या होगा। वहीं आपको बता दें कि 18 अक्टूबर के दिन सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई है। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।